आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। इतना देर लगाते हो एक सवाल का जवाब देने में? मैंने आपको कुछ ढूंढने के लिए कहा था। किया सर? सर्च किया क्या? किया क्या सर्च? सर्च किया क्या मैंने जो सर्च करने बोला था? किया आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है मैम। मैं पूछ रही हूँ, सर्च करने के लिए बोला था, किया क्या? हाँ मैम किए है, बट समझ में ही नहीं आ रहा वो किए। वही तो पूछ रही हूँ ना, कौन सा वर्ड, मतलब क्या नहीं समझ आ रहा है मेरे को, पूछो। लुक बुक मतलब क्या? मैम वो फोर्थ पोलियो वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लुक बुक का समझ गया बट उसका नहीं ओके okay. लुक बुक मतलब समझ गया ना? हाँ मैम। ठीक है, लुक बुक मतलब क्या बताओ? मैम इसको एक फैशन डायरी भी बोल सकते हैं, जिसमें मॉडल, फोटोग्राफर और शैली जैसे स्टाइल, स्टाइलिश, हाँ, और स्टाइल, कपड़ों की, हाँ, और कपड़ों की जो लाइनें दिखाई जाती है उसको। अच्छा, क्लाउड्स, हाँ हाँ, वो अपने को लुकबुक में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ मतलब अच्छा गारमेंट का पूरा डिटेल, अगर हम लोग गारमेंट की बात करें तो गारमेंट का डिटेल हमको मिलता है। और एक्सेसरीज बोला तो एक्सेसरीज का डिटेल, ठीक है। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो वो होता है जो आप एज अ स्टूडेंट जो भी वर्क कर रहे हो, तो आप एक स्केच बुक में करते हो, तो स्केच बुक अपने पास रखते हो बना के, ठीक है। पूरे साल का स्केच बुक आपके पास होता है, डिजाइन किया हुआ, जितने भी स्केचेस आपने डिजाइन किए हैं अब तक सारे होते हैं उसके अंदर। हाँ, सिलेबस अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। कलर व्हील से स्टार्ट होता है और अलग अलग जो भी आप लोग पढ़ते हो वो उस पोर्टफोलियो में रहता है।
तो ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है आपका, ठीक है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी आप में कुछ नया, अगर आपने कुछ स्केच में अपन बहुत कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है, कभी प्रिंट ट्राई करते हैं, कभी कुछ बनाना रहता है तो कुछ बहुत अलग बन जाता है, तो बहुत सुंदर सा बनता है, तो ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, आपके पास एक कलेक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को शो करते हो, ठीक है, अपना जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपकी जो एबिलिटी है वो कैसे देखेगा, आपका पोर्टफोलियो के थ्रू, ठीक है। जैसे आप फैशन इलस्ट्रेशन की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पे अपने स्केचेस दिखाने इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बताओगे, इसी तरह से, ठीक है। जैसे स्केचिंग का एक पोर्टफोलियो बनता है, वैसा ही पैटर्न मेकिंग का भी बनता है, आपने फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उस फील्ड का वो वैसे अपना पोर्टफोलियो बनाता है। जैसे किसी को सिर्फ स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, जितने भी ड्रेसेस बनाए हैं उसका पैटर्न, उसकी कटिंग, छोटे सैंपल्स या स्केचिंग, या तो फिर हम लोग प्रिंट बनाते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन में बनाते हैं, लेकिन जिसको स्टिचिंग पसंद है वो क्या करता है, कपड़े का जो टुकड़ा होता है उसी को वहां पे चिपका देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशन के क्रिएटिविटी है, तो आप लोग वैसे भी नेट पे आपको ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ठीक है, ताकि दूसरों के सामने हम लोग अपना प्रेजेंट करें, ठीक है, शोकेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं प्रोफेशनली, ठीक है। तो अभी आपको पोर्टफोलियो का मतलब समझ में आया, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं लोगों को, ठीक है, प्रोफेशनली। तो ये पोर्टफोलियो का मीनिंग हो गया, एंड लुकबुक का मीनिंग आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब किसी को डाउट था ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर में क्या फर्क है ना, दोनों अलग होता है क्या, कौन थी वो, है क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट है क्या, मैंने पूछा था, हाँ, तो सर्च किया नीलम आपने, नहीं मैम, क्यों, आपका ही क्वेश्चन था, आपने सर्च नहीं किया, ठीक है। श्रुतिका सर्च किया गया, सीमा, श्रुतिका, प्रीति, प्राची, नहीं किया, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन जो होता है, मैंने आपको बताया था, ग्राफिक जो रहता है वो मतलब जैसा मैगजीन कवर हो गया, ठीक है, ब्रोशर्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, इस चीज पे वो काम करता है, ठीक है, मतलब जिसको ये एक प्रोफेशनल आर्ट है एक्चुअली, ठीक है, जो मैसेज कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम ग्राफिक डिजाइन्स के बारे में देखें तो हम लोग के पास क्या होता है, जैसे कोई ब्रोशर है, ठीक है, या तो फिर कोई पैम्पलेट है, या आपके पास कोई क्रिएटिव आया, क्रिएटिव मतलब क्या, जैसे आप लोग देखते हो ना कि ऐसा ऐसा कुछ कंपटीशन होने वाला है, तो उसका एक आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक है, कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये कंपटीशन होने वाला है, इस कॉलेज में है, उसमें टाइम डेट वेन्यू देते हैं, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो वो क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, ये ग्राफिक डिजाइन बनाता है। तो ये क्या है, कम्युनिकेट, मैसेज कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, ठीक है, शॉर्ट में, सिंपल वे और शॉर्ट में इसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो इसका यही काम करते हैं, किसी भी चीज को, मतलब हम लोग इंटरनेट के थ्रू, जो हम लोग लैपटॉप पे हम लोग जो काम करते हैं, जिसको हम लोग फोटोशॉप, आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम, ठीक है, आपने क्लासेस नहीं की फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ की, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि फोटो कैसे एडिट करते हैं, कोई भी फोटो हो, ठीक है, एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एनिमेशंस मतलब आप लोगों ने टॉम एंड जेरी के कार्टून देखे हैं, मिकी माउस के कार्टून देखे, तो ये क्या है, एनिमेशंस है, जंगल बुक देखा है, ये एनिमेशन है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सिंपल पेज पे, मान लो कोई, अगर आपका कोई भी ऐसी
एडमिशन के लिए आप एक पैम्पलेट बना रहे हो, ठीक है, ये कॉलेज का नाम दिया या अपने इंस्टीट्यूट का नाम दिया, और वहां पे अगर कुछ ऐसा एनिमेटेड कुछ डाल दिया आपने, कार्टून टाइप जो मूव कर रहा है, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे देखते हो ना, GIF आता है, देखते हाँ, तो वो कैसा हमको अट्रैक्टिव लगता है, उसी टाइप में अगर हमने क्रिएटिव में डाला या तो फिर कोई पैम्पलेट में हमने डाला, तो वो कितना अच्छा एकदम हम लोग को अट्रैक्ट करेगा कि यही पे हमको ध्यान देना है, ये इस कॉलेज का नाम है, इसका इतना फीस है, हम लोग पूरा पढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है वो एक मैसेज दूसरों को पहुंचाने के लिए ग्राफिक डिजाइन यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, अपने को आइडियाज रहती है, कोई भी आइडियाज को कन्वे करने के लिए हम लोग इमेजेस की हेल्प लेते हैं, एनिमेशंस की हेल्प लेते हैं, और ग्राफिक्स मतलब यही सब चीजें, ठीक है। उसमें जब आप एडिटिंग वगैरह कुछ पढ़ोगे अच्छे से, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपको कुछ कुछ जो पार्ट्स है, ठीक है, उसके टूल्स वगैरह, तो वो आपको इजिली समझ में आएंगे। कुछ नहीं, उसमें फोटोशॉप कोरल ड्रॉ के ही जैसे टूल्स होते हैं, सेम थिंग रहती है, आप अगर क्लासेस करते हो तो बेटर है, ठीक है। अब ये वेब डिजाइनर क्या है, ग्राफिक तो हमने देख लिया, मैगजीन्स और ब्रोशर या फिर अपना पैम्पलेट्स के लिए यूज करते हैं या क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है, एक मैसेज या आइडिया कन्वे करने का एक जरिया, ठीक है। अब ये वेब डिजाइनर क्या है, जब भी आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल पे आता है लिख के HTML आता है, देखा है आपने? हाँ मैम, है ना, तो HTML जो लिख के आता है और पूरी लिंक आती है, उसको बोलते हैं वेब डिजाइन। ये क्या होता है, इंटरनेट पे आपका जो मतलब डिस्प्ले, एक वेबसाइट होती है, ठीक है, जो वेब डिजाइनर डिजाइन करते हैं वो इंटरनेट पे शो होती है, ठीक है। वेब डिजाइनर क्या करता है, पेज के, वेब पेज के लेआउट पे काम करता है, ग्राफिक्स पे काम करता है, या तो फिर जो प्रोडक्शन का कंटेंट होता है उस पे काम करता है, मतलब लिंक बनाना, ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। तो ये डिफरेंस है इन चार चीजों का, हमने बात की। ठीक है, अभी हम लोग को तो पता है, फोरकास्टिंग पढ़ लिया है हमने, और फैशन स्टाइलिंग भी पढ़ लिया है क्या होता है। अब अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, रिसर्च प्रोसेस इन फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग में रिसर्च प्रोसेस होती है जो आपको खुद को करनी है प्रोजेक्ट में। आप लोग को मैंने कलर्स के लिए बनाने के लिए बोला था, ठीक है, वो बनाना स्टार्ट करो, और जैसे ही आपके कलर्स खत्म होते हैं, ठीक है, 12 कलर्स के आपने अलग अलग शेड्स निकाले, ठीक है, वो खत्म होते हैं, उसके बाद आपको प्रिंट पे वर्क करना है। चीता प्रिंट आपने देखा है, जेब्रा प्रिंट देखा है, लेपर्ड प्रिंट देखा है, स्नेक प्रिंट देखा है, ठीक है, तो हर प्रिंट में अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, आपको वो अपने हाथों से ड्रॉ करनी है छोटे ब्लॉक्स बना के, ठीक है, समझा? समझा क्या? यस मैम। बाकी सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ ऑन करके चले गए, सुन नहीं रहे हो? सुन रहे हैं मैम। हैंड रेज करो, तो इसमें एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, हैंड रेज करो, जिस जिसको सुनाई आ रहा है हैंड रेज करो, और एक को ही आ रहा है, बाकी लोगों ने ऑफ कर रखा है, मोबाइल पटक के भाग गए। ठीक है, आप लोग का रिप्लाई जल्दी नहीं आता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे, मुझे ऐसा लगता है आपको सुनाई नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग को ना
फैशन फोरकास्टिंग में रिसर्च करनी होती है, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जिसको प्रिंट के ऊपर रिसर्च करना है वो प्रिंट के ऊपर करेगा, जिसको कलर पे रिसर्च करनी है वो कलर पे करेगा, जिसको फैब्रिक पे करनी है वो फैब्रिक पे करेगा, ठीक है। टेक्सटाइल फैब्रिक ये अलग पार्ट है, आपको मैंने उस दिन जॉब्स के बारे में बताया था, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, ठीक है। और ये सारे जॉब्स किससे जुड़ी है, फाइनली फॉरकास्टिंग में, ठीक है, फॉरकास्टिंग में हेल्प करती है सारी जॉब्स, ठीक है। तो कोई मार्केट रिसर्च करना चाहता है तो उस पर करें, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस आपको हर फील्ड में करनी है, आपको जो आपको उसमें से कुछ एक सिलेक्ट करना है और आपको रिसर्च करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रिंट, कलर और फैब्रिक, वैसा ही अलग अलग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है, देन सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है, ये तीन सोर्सेस है। देन उसके बाद है ट्रैकिंग सेल्स एंड कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन के बाद है डेमोग्राफिक्स, फिर है वैल्यू एंड लाइफस्टाइल, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो उसमें लिखा है ये सब, ठीक है। देन पब्लिकेशन होता है, फॉरकास्टिंग सर्विसेस होती है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप आपको रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में हमको पढ़ते जाना है, और जैसे ही अपना, जैसे प्राइमरी सोर्स ये आज मैंने पढ़ाया, ठीक है, और उसके बाद आपको तुरंत में क्या करना है, अपना कोई भी टॉपिक अपने दिमाग में रखो और उस टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट करो। जैसे अगर मैंने आपको दिया प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट में प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा आपका, आप क्या करोगे, प्रिंट के लिए इमेजेस ढूंढोगे, प्रिंट कौन सी होती है उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको बनाने का ट्राई भी करोगे, ठीक है। और उसमें क्या मतलब, हम लोग अगर कोई प्रिंट है जैसे चीता प्रिंट के साथ कुछ और प्रिंट हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, ठीक है, जैसे कूल एंड वार्म कलर हम लोग ऐड करके कुछ तो भी नया बनाते हैं, वैसा ही हम प्रिंट के साथ कर सकते हैं क्या, फैब्रिक के साथ कर सकते हैं क्या, ये छोटी छोटी आइडियाज रहती है, उसको आपको और ज्यादा एनहांस करना है, अपनी लेवल पे इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी सोर्स है। देन सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि अगला कदम क्या है, ठीक है, रिसर्च करने का। तो उसी तरह से आपको सेम डे अपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना स्टार्ट करना है। समझ में आई बात? हाँ मैम। हाँ मैम, मैं बोल, सॉरी हाँ, एक कॉल आ गया था इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने। तो हम लोग को इस तरह से अपना जो रिसर्च प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करना है, वन बाय वन आया ना? तो एक काम करो, अपनी अपनी थीम्स बता सकते हो क्या मुझे, आपको क्या, सिर्फ आइडिया शेयर करते हैं आज, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइडियाज बता दो आप किस किस चीज पे वर्क कर सकते हो, जरूरी नहीं है अपनी खुद की आइडिया को ही बताना है, कुछ भी बता सकते हो, किसी और की भी हेल्प हो जाएगी जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या बना सकते है क्या नहीं। थीम्स क्रिएट करो, क्या करना चाहोगे? नीलम क्या करोगे?
कलर पे वर्क करना है, प्रिंट पे करना है, फैब्रिक पे करना है, पैटर्न पे करना है। किस पे करोगे मैम? प्रिंट पर। ठीक है, प्राची प्रिंट पे करे। कौन सी प्रिंट? चीता प्रिंट, एनिमल प्रिंट होता है। ठीक है, चीता प्रिंट मतलब सिर्फ चीता पे ही करना है तो फिर उसमें फिर कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ मैम। इसलिए अगर सिर्फ चीता पे करना है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए एनिमल प्रिंट ले लो। हाँ मैम। देखो एनिमल प्रिंट ये चार पैर वाले जानवरों का है। ठीक है, स्नेक प्रिंट जो आएगा वो रेप्टाइल्स में आएगा क्योंकि स्नेक को पैर होते नहीं है, है ना? नेक्स्ट, और आइडिया शेयर करो, और किस पे कर सकते हैं मैम? कलर्स पर। हाँ वो तो मैंने बता दिया कलर्स पे, लेकिन कलर्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये तीन है। फ्लोरल प्रिंट भी करते हैं मैम। क्या? फ्लोरल प्रिंट। फ्लोरल प्रिंट पे भी कर सकते हो, और आप कलर और प्रिंट दोनों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ एक ही थीम पे वर्क करें ऐसा जरूरी नहीं, हम दो चीजों पे भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा ड्रेस पे भी कर सकते हो। जैसे मैम फैब्रिक प्रिंट में क्या क्या आएगा? फैब्रिक प्रिंट में अभी तो बताया, प्रिंट में फ्लोरल है, एनिमल है, बहुत सारी प्रिंट्स आती है, बच्चों की प्रिंट्स आती है, नर्सरी प्रिंट्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे ना पहले प्रिंट टेक्सचर, ये तो आपने पढ़ा होगा। हाँ मैम। है ना, आप टेक्सचर पे भी वर्क कर सकते हो। बताओ और क्या कर सकते हो, किसको क्या करना है? प्राची ने बता दिया उसको एनिमल पे करना है, नीलम को फ्लोरल करना है क्या? हाँ नीलम। क्या मैम? फ्लोरल प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट पे करना है क्या तुमको वर्क? हाँ मैम। ठीक है, तो उसमें पेंटिंग करना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, क्या करना है? पेंटिंग। ठीक है, और बाकी बाकी और आइडिया शेयर करो, किसको क्या वर्क करना है। उस पे 25 मार्क्स है आपको सेकेंड मॉड्यूल पे, और आपने तो पहले प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट किए ही नहीं। वर्ल्ड कॉस्ट्यूम का एक भी प्रोजेक्ट किसी का नहीं आया है मुझे। मैम मैंने पीडीएफ भेजा था ना आपको। अरे वो नहीं कह रही हूँ, कॉलेज में सबमिट नहीं किया है आपने। अच्छा सब में। हाँ, और उसको तो मैंने कलर भी करने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ स्केचेस बनाने के लिए बोला था आपको। हाँ मैम, आप बोले ना मतलब सिर्फ जो जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट है वहां पर ही स्किन कलर करना। हाँ, बाकी आप गारमेंट पे मत करो। यस मैम, उस पे नहीं किया है। हाँ लेकिन वो अभी तक कॉलेज में नहीं पहुंचे हैं ना आपके, आप लोग एडमिशन करने आए या फॉर्म भरने पता नहीं क्या क्या करने आए थे कॉलेज में, तो आपने अपने लेकर नहीं आए हो। वही मैं कह रही हूँ, आपका एक भी सबमिशन अब तक नहीं आया ना, मेरे को कोई फोटो भेज रहे हैं, मतलब कुछ लोग ही भेजे हैं, वो भी थोड़े से ही इसके भेजे, बाकी इतना सारा था उसमें स्केचेस, किसी के कुछ भी नहीं आए, एक दो बस, एक दो से हो जाता है क्या? नहीं करना है प्रोजेक्ट तो मत करो, मैं 25 मार्क्स आप लोग को दूंगी नहीं किसी पे मॉड्यूल पे, मना कर दो, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है तो मना कर दो, नहीं होना है हमको पास। बोलो जल्दी, थीम्स बताओ अपनी अपनी। श्रुतिका, सीमा,
किस चीज पे करना चाहते हो? कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप पहले बताओ तो आपको इंटरेस्ट किस चीज में है? इलास्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो इलास्ट्रेशन पे करो। बताओगे आज के दिन? 15 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। वैसे ही 10 मिनट मैंने आपको बोला था लेट ज्वाइन करना। मैम मैं एम्ब्रॉयडरी में करूंगी। एम्ब्रॉयडरी में क्या? बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है मैम, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। ठीक है चलेगा। और बताओ बाकी लोग? स्पेशल इनविटेशन देना पड़ता है क्या सबको? नाम ले लेके बोलना जरूरी है क्या? प्रीति आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? माइक ऑन है आपका। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नोट्स पढ़े क्या? बात नहीं करनी, रिप्लाई नहीं करना तो लेफ्ट करो। रिप्लाई नहीं देना है तो लेफ्ट करो। रिप्लाई देना नहीं है तो लेफ्ट करो। सुनाई आ रहा है क्या? नोट्स भी नहीं पढ़े किसी ने?
चलो लेफ्ट करो।